ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਾੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਧਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੇਟ ਇੰਜ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ शिवानी वर्मा मेरा नाम है, पटेल नगर कठुआ। हाँ, घर चार पाँच दिन से हम चंडीगढ़ साइड गए थे, तो आज जस्ट आज आए तो घर पे देखा ताले तुले तोड़े हुए हैं और गोल्ड मटेरियल गोल्ड हमारा सिल्वर सारा गैप पैसे थे 10-15 हज़ार था सारे, मतलब ले गए गोल्ड कितना था, मम्मी के ज्वेलरी सेट था पूरा, नथ टिक्का था, बीच में इयर रिंग थे, काफी ज्यादा था और हाँ सिल्वर भी था। आज 5 दिन हो गए, 5 दिन आज आए, 5 दिन लगा के आए, तो जैसे घर पे आए कोई 2 बजे आए तो देखा ताले सारा तोड़े हुए लॉक वगैरह। हाँ प्लीज आए हैं, अब देख के गया, अभी देखो क्या होता है। ये पटेल नगर वार्ड नंबर 20 का एरिया है और ये हमारे बेचारे कारपेंटर का काम करते हैं सुभाष जी, इनके घर में ये चोरी की वारदात हुई है और ये परिवार शुक्रवार से बाहर था, किसी काम से गया था, क्योंकि एक ही लड़का है इस घर का तो वो ऑलरेडी बेल्ट फोर्स में सर्विस कर रहा है, बाकी बेटियां हैं, 2 शादीशुदा हैं, तो एक ही बेचारे की शादी है। तो ये परिवार किसी काम से माँ बेटी घर से बाहर गए थे
तो पीछे से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है चोरों ने, आपने सारा घटनाक्रम देखा ही है। तो यह है कि गरीब परिवार है और बेटी की शादी भी थी और लगभग 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान जो है वो इनका हुआ है। देखा गया काफ़ी चोरी हो रही है पटेल नगर में, अभी तक कोई चोरी बरामद हुई है या कुछ? देखिए जहाँ तक पटेल नगर की बात है, मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने में 7 से 8 चोरियाँ हुई हैं और अभी तक ये कहना चाहूँगा कि बरामद हुई होंगी बाहर, लेकिन पटेल नगर की चोरी के संबंध में कहना चाहूँगा कि यहाँ की अभी तक कोई भी चोरी जो है वो बरामद नहीं हुई है। यहाँ पे भी पिछले दिनों यहाँ हमारे एक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, उनके घर में भी चोरी हुई थी, उनके घर से भी आपने भी शायद किया था, बहुत सामान ले गए थे, उनकी तो एक गन भी इन्वॉल्व है, गन भी ले गए हैं। अब 5 महीने हुआ है लगभग उस चोरी को। तो इसी प्रकार से छोटी मोटी अभी हफ्ता पहले ही यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर उनके घर में भी चोरी हुई, तो उससे पहले भी मतलब काफ़ी सारी चोरियाँ हुई हैं लेकिन बरामद नहीं हुई हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को भी इसके प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत है। अब हम इस पर सारा इल्ज़ाम डालें कि भाई पुलिस, अब पुलिस तो घर घर में पहरा लगा नहीं सकती है, लोगों को भी इसके लिए बार बार कहा जाता है कि जागरूक रहिए, अगर आप बाहर जाते हैं तो कम से कम अपने 2 पड़ोसियों को बता के जाइए, जहाँ जो है अपना जो कीमती सामान है वो कहीं ना कहीं जो है वो सेफ़ रख के जाइए कहीं ना कहीं। तो परेशानी तो है क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, अब लोगों को पुरानी आदत पड़ी है, लेकिन अब थोड़े से हालात बदले भी हैं और जिस प्रकार से आगे बढ़ेगा तो उस प्रकार से और बदलेंगे। तो हमें अपने सामान को बचाने के लिए खुद भी सचेत रहने की ज़रूरत है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो अपना तो है, लेकिन ये है कि चोरों के हौसले भी बहुत बुलंद हैं, इस बात को भी मानना पड़ेगा। और जिस तरीके से चोर मतलब बेबाकी से और बिल्कुल आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आते हैं, घुसते हैं या छानबीन करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी चोरियां देखी हैं लोगों के घरों में, जो क्राइम सीन जो देखा है, वहां यही देखा है कि इतनी तसल्ली से और इतनी शांति से तोड़ा जाता है तालों को, इतनी शांति से और उसको मतलब पेटियों को और तालों को तोड़ा जाता है कि उनको बिल्कुल मतलब कोई किसी बात की चिंता नहीं है, बेखौफ होकर बिना किसी डर के जो है वो पूरी तरह से घटना को सरंजाम करते हैं, चाहे उसके लिए उनको 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चोरों के हौसले बहुत बुलंद हैं और कहीं ना कहीं बहुत प्रोफेशनल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मेरे ख्याल से और मुस्तैदी की ज़रूरत है और पुलिस प्रशासन को भी यही रहेगा कि और मुस्तैद होने की ज़रूरत है, और किसी का नुकसान जो होता है वो मेरे ख्याल से उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल होता है।